तो भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आ चुका है और ये हमें मूवी में काफी जबरदस्त सस्पेंस का वादा कर रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में पार्ट 2 की तरह यहाँ भी असली मंजुलिका को लेकर मिस्ट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या हॉरर और कॉमेडी मूवी में काम करेंगी? विद्या बालन और माधुरी दीक्षित में से असली मंजुलिका कौन है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही में तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर के बारे में भी मैं तुम्हें एक ऐसी शॉकिंग चीज बताऊंगा जो तुमने शायद ट्रेलर में नोटिस ना की हो। लेकिन उससे पहले चलो हर बार की तरह फिल्म की कहानी क्या हो सकती है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसके हिडन डिटेल्स पर आएंगे। तो भूल भुलैया 3 की स्टोरी को लेकर ट्रेलर में हमें टीजर के मुकाबले और ज्यादा चीजें जानने को मिलती है, जैसे कि रूहान ने अपना 400 बिजी वाला एक नया धंधा खोला है जिसमें वो भूत भगाने के नाम पर लोगों को लूटता है और उसके बाद भी उनके घर की उसकी पसंदीदा कोई चीज श्रापित होने के नाम पर ले जाता है। उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर उसे राजेश शर्मा का कैरेक्टर अपने जीजा की मरी हुई बेटी से बात करने को बुलाएगा और रूहान के वहाँ आते ही कांड होना शुरू हो जाएंगे। तृप्ति डिमरी और उसके बीच होने वाले कांड नहीं, मंजुलिका वाले कांड की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टीजर ट्रेलर से पता चलता है कि अपनी पावर्स दिखाने की होशियारी में रूहान महल के उस दरवाजे को खोल देगा जिसमें होगी विद्या बालन वाली मंजुलिका। और ट्रेलर से जितना पता चलता है मेरे हिसाब से वो माधुरी का कैरेक्टर मंजुलिका वो बाहर से महल आएगी, यानी वो कैद नहीं होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर 2 मंजुलिका है और उनमें से असली कौन है इसका पर्दाफाश होना भी बाकी है। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों एक ही कमरे में बंद हो, लेकिन हमें ट्रेलर और टीजर में इसके बारे में ना दिखाया गया हो कि माधुरी भी विद्या बालन के साथ उसी कमरे में बंद थी। लेकिन हाँ, अगर वो बाहर से आती है तो उसके आने की वजह शायद रूहान को रक्तघात का राजकुमार घोषित करना होगा। तो अब दोनों मंजुलिका की मिस्ट्री, बीच में फंसा रूहान और बाकी ये कैरेक्टर जिन्हें कुछ भी पता नहीं होगा कि ये सब क्या हो रहा है, तो इस हॉरर ह्यूमर सिचुएशन के साथ मूवी आगे बढ़ने वाली है जिसके क्लाइमैक्स में हमें असली मंजुलिका के दर्शन होने वाले है। तो चलो अब इसके क्लाइमैक्स पर आती है, डिटेल्स पर आते हैं। डिटेल नंबर 1, इस सीन में जो पेंटिंग रूहान श्रापित कह के ले जाता है वो अनीस बाजमी की ही कल्ट क्लासिक फिल्म वेलकम का ईस्टर एग था, क्योंकि यह आइकॉनिक पेंटिंग अपने मजनू भाई ने ही बनाई थी। नंबर 2, क्या तुमने ये नोटिस किया कि पार्ट 2 की तरह ही इसकी स्टोरी भी दोनों पार्ट से कनेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले तो हीरोइन चेंज है, दूसरा अगर ध्यान से देखोगे तो राजपाल यादव, संजय मिश्रा और अश्विनी जी ये तीनों भी अलग दिख रहे हैं। स्पेशली राजपाल यादव का गेटअप फर्स्ट पार्ट जैसा लग रहा है और सबसे बड़ी बात, ये बंगाली स्टाइल में बोल रहे हैं और इनके साथ राजेश शर्मा का भी इसमें एक अलग कैरेक्टर लग रहा है। कोनो राजकुमार नहीं है, राजकुमार का पा भी नहीं है। राजकुमार में पा कहाँ से आता है? पाखंडी में तो पा आता है। नंबर 3, क्या तुमने ये नोटिस किया है कि माधुरी और विद्या बालन दोनों की मंजुलिका को रेड और ब्लैक कलर्स की पावर से दिखाया गया है, लेकिन जहाँ विद्या का कैरेक्टर कमरे में कैद है वहीं पर माधुरी बाहर से आ रही है। ये हमें इस सीन से पता चलता है जहाँ इस औरत ने भी वैसे ही कान की बालियां पहनी है जैसी माधुरी ने। हालांकि लास्ट वाला सीन इसमें कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए मैंने तुम्हें शुरुआत में कहा था कि हो सकता है वो दोनों एक ही कमरे में कैद हो, या फिर ये भी हो सकता है कि माधुरी वाला कैरेक्टर बाहर से यहाँ पर आए। डिटेल नंबर 4, अभी ये सवाल सबके मन में आया होगा कि बाहर के आए रूहान को राजकुमार घोषित क्यों किया गया? तो दरअसल ये एक चाल है। अब अगर इसके पीछे के रीजन की बात करो तो रूहान तृप्ति के कैरेक्टर से शादी करने वाला है तो उसे राजकुमार घोषित किया गया है, उसे तो ये रीजन बताया होगा। लेकिन ऐसा करने के पीछे असली रीजन है मंजुलिका। देखो, टीजर और ट्रेलर से साफ पता चलता है कि दोनों मंजुलिका में राजगद्दी को लेकर फाइट हुई थी, या फिर ये जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है उसके पीछे राज सिंहासन ही कारण है, और शायद रूहान के दरवाजे खोलने पर असली महाराज की जान को खतरा है क्योंकि उन्हें महाराजा की गद्दी ही चाहिए, इसलिए उसे ये पंडित जानबूझकर राजकुमार घोषित कर रहा है ताकि राजा की जान बच सके। नंबर 5, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि इन दोनों का सिंहासन से रिश्ता क्या है? तो ट्रेलर में हम देख चुके हैं कि पास्ट में ये दोनों राज दरबार में डांसर थी, और इसलिए मेरी थ्योरी ये है कि अपना राजा थोड़ा ठरकी रहा होगा जो कि इन दोनों के हुस्न के जाल में एकदम मोहित हो गया होगा, और फिर इन दोनों का फायदा उठाने के लिए इसने इन दोनों को अपनी रानियां बनाने का वादा किया होगा, या फिर राजगद्दी देने का ही वादा कर दिया होगा, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गया होगा जैसे कि हर हरामी इंसान करता है। इसके बाद इन दोनों ने उसे मारने की कोशिश की होगी, इसके बाद इन्हें सजा मिली, वो सजा क्या है ट्रेलर में दिखाया गया है और मैं भी तुम्हें आगे बताऊंगा।
नंबर 6 भूल भुलैया 3 पार्ट 1 के काफी आइकॉनिक चीजों को दोहरा कर उसे ट्रिब्यूट देगी, जैसे कि मंजुलिका का यह गेटअप फर्स्ट फिल्म का ही है। वही छोटे पंडित को भी वही आइकॉनिक लुक दिया गया है और मंजुलिका का राजा से रिवेंज वाला पार्ट भी पार्ट 1 से ही लिया गया है। उसके अलावा भी टीजर में हम ये सीन देख चुके हैं जहाँ पर विद्या बालन अपने ही पिछले पार्ट के एक आइकॉनिक सीन को दोहरा रही है, यानी कि फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन भी होंगे जो कि पार्ट 1 से सीधा यहाँ पर लाए होंगे ताकि उस पार्ट को ट्रिब्यूट दिया जा सके। डिटेल नंबर 7 इस सीन में रूहान तिजोरी लूटने की कोशिश कर रहा है, शायद उसने खतरे को देख लिया है और पैसा निकाल कर भागने की कोशिश कर रहा है, पर माधुरी का कैरेक्टर उसे देख लेता है। नंबर 8 इस सीन में एक पंडित दरवाजे के बाहर से ही किसी एक मंजुलिका पर तेल जैसा कुछ डाल रहा है और ये शायद वही सीन हो सकता है जहां मंजुलिका को पहली बार कैद किया जा रहा है। जैसे मुझे लगता है कि ये विद्या बालन होगी और हाँ, ये इंसान भी इसी का पूर्वज है। ये दोनों के कपड़ों से साफ पता चलता है और ये कोई नई बात नहीं है। राजा महाराजों की यहाँ खानदानी वैद्य या फिर पंडित अपनी पीढ़ियों को अपनी खूबियां या फिर अपनी नौकरियां पास ऑन करते रहते थे। नंबर 9 जब छोटा पंडित यहाँ पर टकराता है तो नेटफ्लिक्स की फेमस म्यूजिक बजती है। नंबर 10 ये शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अगर लाइटर जलाने वाले सीन में तृप्ति को ध्यान से देखोगे तो उसके बॉडी पे तेल लगा हुआ है और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से साफ पता चलता है कि वो अपने आप को आग लगाना चाहती है, इसीलिए रूहान उसे इतनी ताकत से पकड़ लेता है। नंबर 11 ये जो तस्वीर राजा शर्मा का कैरेक्टर रूहान को देता है ये तृप्ति की ही है। आई नो वो कैरेक्टर एक साल पहले मर चुका है, पर शायद वो उसकी बहन होगी, ऐसा मुझे लगता है। हाँ ये गलत भी हो सकता है, पर मैंने नोटिस किया तो तुम्हें बता दिया। डिटेल नंबर 12 अगर तुम्हें याद है तो अभी कुछ ही देर पहले मैंने बोला था कि इन दोनों को राजा को मारने की कोशिश के लिए सजा दी गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों को बहुत ही बेदर्दी से जलाया गया था। अब मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूँ, इस जगह को ध्यान से देखो जिसे ट्रेलर में कई बार दिखाया गया है। रू बाबा और दोनों मंजुलिका की लास्ट फाइट भी यही होने वाली है, तो ये जगह मेरे हिसाब से पास्ट में यानी राजा के काल में कैदियों को सजा देने की होगी। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस सीन में एक औरत को बांध के जलाया जा रहा है और इन दोनों को ऐसे ही जलाया गया होगा, जिसके बाद ये घोष्ट बनकर महल में आए और विद्या बालन को कमरे में कैद किया गया होगा। और हाँ, भले ही ये मेरी थ्योरी है लेकिन इसके सच होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ट्रेलर में मंजुलिका आग का बहुत ज्यादा यूज कर रही है। अगर तुमने देखा तो उसने राजा के फोटो को भी जला दिया और बेड पर भी किसी को जला रही है और ट्रेलर के हर टेक्स्ट और लोगो को आग से बनाया गया है। नंबर 13 लास्ट वाले सीन में जब वो दोनों रूहान को मारने निकलती है तो माधुरी के एक्शन से पता चलता है कि वो आमी मंजुलिका कहने वाली है। नंबर 14 ये लास्ट वाला सीन टीजर के इसी सीन के आगे का पार्ट है जहां रूहान अपने पार्टनर को चुड़ैल के बारे में बताता है और वो बेहोश हो जाता है, इसलिए वो उसे उठा के ले जा रहा है। वैसे बोनस में एक बात और बता दूं कि उसके हाथ पे जो गिरा वो खून नहीं है बल्कि कलर है, क्योंकि महल को पेंट किया जा रहा है। नंबर 15 पता नहीं तुमने ये नोटिस किया है या फिर नहीं, लेकिन मुझे तृप्ति का कैरेक्टर उन दोनों मंजुलिका से भी ज्यादा गड़बड़ लग रहा है। उसका लाइटर से खुद को जलाना और इस सीन में अजीब सी आवाज में रूहान से बात करना और रूहान का उससे इस तरह से रिएक्ट करना जबकि वो उससे प्यार करता है, ये बहुत सारी चीजें अजीब है। मुझे लगता है उसमें कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें क्या लगता है? डिटेल नंबर 16 मंजू आई एम कमिंग फॉर यू वाला सीन शुरुआत का है जहाँ हर बार की तरह लोगों को उल्लू बनाने का सोचकर रूहान ये दरवाजा खोलेगा और फिर कांड शुरू हो जाएगा। नंबर 17 अब देखो ये डिटेल नहीं है बल्कि मेरी मूवी के मेकर से शिकायत है। देखो ट्रेलर देखकर इतना तो तय है कि भले ही फिल्म की कॉमेडी चल जाए लेकिन हॉरर पार्ट 2 से एक और लेवल नीचे जाने वाला है। ट्रेलर के कुछ सीन जिसमें हॉरर दिखाने की कोशिश हो रही है बहुत ज्यादा क्रिंजी फील होती है, खास करके माधुरी जी का मंजुलिका कहना। भाई मंजुलिका के आइकॉनिक कैरेक्टर की बेइज्जती कर दी इन लोगों ने, उसके बाद माधुरी जी का ही ऐसे कटकट वाली आवाज के साथ उठना जो कि हमें आम भूतों की फिल्मों में दिखता ही है, लेकिन माधुरी जी के साथ ये सूट नहीं हो रहा है और ऊपर से इन्होंने लास्ट वाला कटकट एक्स्ट्रा डाल दिया, मतलब उसकी जरूरत ही नहीं थी, वो उठ चुकी थी।
लेकिन इन सबसे ज्यादा ये लास्ट वाला सीन जहाँ साफ पता चल रहा है कि दोनों कैरेक्टर फोर्सफुली भूत की एक्टिंग करने की कोशिश कर रही है। और सच बोलूं तो इसमें एक्टर की कोई गलती भी नहीं है, डायरेक्टर को हॉरर दिखाना आता ही नहीं है। आई नो ये हार्ड है, लेकिन अनीस बाजमी कॉमेडी स्पेशलिस्ट है। मेरे हिसाब से हॉरर फिलहाल तो उनकी बस की बात नहीं है, और हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह से पता थी, और जिन्होंने मेरी ये वाली वीडियो देखी है वो भी इसे अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए हमारी उम्मीदें जितनी थी उससे तो ट्रेलर बेटर था। लेकिन मैं जानता हूँ कि बाकी सबका दिल टूट गया होगा क्योंकि आपने उम्मीदें ज्यादा लगाई थी। खैर चलो, अब असली मंजुलिका यानी कि असली विलन कौन होगा, पूरी वीडियो देखने के बाद भी जो भोले लोग इसे गेस नहीं कर पाए उन्हें मैं ही बता देता हूँ। इस फिल्म की विलन मंजुलिका माधुरी होने वाली है, जिसके चेहरे से और बोलने के स्टाइल से ही पता चल जाता है कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, डेंजरस है। हालांकि ट्रेलर में दिखाने की कोशिश की है कि विद्या बालन वो विलन होगी, पर वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि इनके पावर्स को कलर से फोरशैडो किया गया है, तो माधुरी दीक्षित के पावर्स रेड कलर की है जो बेसिकली खतरे को और बुराई को रिप्रेजेंट करती है। विद्या की ब्लैक है जो एविल तो है क्योंकि वो घोस्ट है, लेकिन रेड जितनी खतरनाक नहीं है या फिर रेड जितनी बुरी नहीं है। खैर इससे ज्यादा डीप नहीं घुसते वरना स्पॉइलर भी हो सकती है। अगर तुम्हें स्पॉइलर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, इस पर हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। बाकी कमेंट में मेरे अनीस बाजमी पर किए कमेंट पर कोई कमेंट करने से पहले मेरी ये वाली वीडियो देख लेना जो लेफ्ट साइड में आ रही है। बाय बाय।